नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों JSW एनर्जी स्टॉक का नाम हो सकता है बहुत से लोग नहीं जानते, जो लोग जानते हैं उनको पता ही है कि कंपनी कामकाज क्या करती है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको JSW एनर्जी के ऊपर जो कुछ अपडेट आए हैं, पुराने अपडेट है, 2-3 दिन पुराने अपडेट हैं मैं मानता हूँ, लेकिन सर उनके पीछे क्या कुछ आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो सर छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। और उससे पहले एक आपसे बात करना चाहूँगा, रेली गियर एंटरप्राइज करके जो स्टॉक है उसके ऊपर एक साल पहले मैंने कोई वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अवॉइड कीजिए स्टॉक, मैं नहीं बाय करूँगा, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। स्टॉक ऊपर चला गया, कुछ मेरे व्यूअर्स ने मेरे से पूछ बोला कि सर ये स्टॉक तो ऊपर चला गया, आप आपका जो यहाँ पर आपने जो बोला था वो यहाँ पर तो गलत हो गया। तो सर देखिए, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और सर देखिए, मैं आपको क्वालिटी के पीछे आपको रहना है, यही आपको मैं हर वक्त यही सिखाता रहता हूँ और खुद भी यही सीखता हूँ मार्केट से। तो सर अगर आप क्वालिटी से भटकेंगे तो सर बर्बाद हो सकते हैं, एक दो स्टॉक चल जाएंगे लेकिन सर उनसे आपको ऐसा नहीं कि इमोशनली कनेक्ट होकर आपको कोई गलत डिसीज़न यहाँ पर ले लेना है, ऐसा नहीं करना है। सर 2-3 स्टॉक आपके ज़िंदगी में ऐसे भी कुछ रहेंगे जो आप सोचेंगे कि ऊपर जाएंगे लेकिन वो नीचे आएंगे, और कुछ आप सोचेंगे कि नीचे आएंगे लेकिन वो इतने ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख भी हो सकता है। तो सर ये इमोशनली जो कॉन्टैक्ट है ये आपको कंप्लीटली डिलीट कर देना है अपने दिमाग से और फ्रेश स्ट्रैटेजी अपनाइए। मैं आपको कहने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सर आपको क्वालिटी के पीछे ही रहना है। और JSW एनर्जी की बात करें तो सर क्वालिटी के ऊपर कोई यहाँ पर दिक्कत की बात ही नहीं है, क्वालिटी के ऊपर कोई शक की बात ही नहीं है, 89 के ऊपर स्टॉक आपको मिल रहा है। मैं आपको कहना यही चाहूँगा, रिस्क अगर आप ले पाएंगे, देखिए सर कोविड का जो इम्पैक्ट है वो सर रहेगा, रहने दीजिए उसको, ठीक है सर। अगर मान लीजिए कोविड 20 साल 25 साल 30 साल या 50 साल तक गया ही नहीं, ऐसा चलता ही रहा, वैक्सीनेशन हो रहा है, कोविड के केस रह रहे हैं, तो सर एक टाइम के बाद यहाँ पर कोविड को लेकर लोगों के मन में कोई डर रहेगा ही नहीं। सर आजकल अगर आप देखिए किसी को अगर सर्दी जुकाम होता है तो सर वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता है, 2-4 दिन में वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो सर कोविड भी अगर आप मेरे से पूछे कि सर आप क्या मानकर चल रहे हैं, तो सर मैं आपको बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए। वैक्सीनेशन जो चल रहा है सर, सरकार जो वैक्सीन आपको प्रोवाइड कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं सर, तो सर उस वैक्सीन को आप ज़रूर से लगवाइए और जो कि है सर सैनिटाइजेशन के ऊपर ध्यान रखिए, मास्क ज़रूर से पहनिए। और सर कोविड ये रहेगा सर, रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर, अगर आप ठीक तरीके से अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो सर दिक्कत की बात ही नहीं है। तो अगर आप इसके चलते अगर आप ये करने लगेंगे कि मार्केट से आप दूर भागने लगेंगे और आप सोचेंगे कि मैं मार्केट से दूर जाऊंगा और मैं अमीर बन जाऊंगा, पैसा बचा कर अमीर बन जाऊंगा, तो सर वो मुमकिन नहीं है सर, वो मुमकिन नहीं है। जहाँ पर रिस्क नहीं है वहाँ पर रिवार्ड मिलता ही नहीं है, जहाँ पर रिस्क नहीं है वहाँ पर रिवार्ड मिलता ही नहीं है, ये आप लिख लीजिए सर, जहाँ पर रिस्क नहीं है वहाँ पर रिवार्ड मिलता ही नहीं है। और बात करेंगे यहाँ पर JSW एनर्जी की, तो सर 89 के ऊपर स्टॉक मिल रहा है, मैं आपको ये गारंटी के साथ तो नहीं सर लेकिन आप मानकर चल सकते हैं सर। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है सर, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है और लगभग यहाँ पर मेरे से पूछे तो सर इसी प्राइस के आसपास मैंने इसको परचेज किया है। और अगर आप खुद भी बाय करना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए, अपना रिसर्च कीजिए। और लगभग 200 का टारगेट अगर आप मेरे से पूछे कि क्या आ सकता है, 2-3 लोगों ने मेरे से पूछा है कि सर क्या JSW एनर्जी कभी 200 का भाव दिखा सकती है, तो सर मैं कहना यही चाहूँगा सर, पहले जो इसका 100 रुपये का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको पहले पार करना होगा, उसके बाद स्टॉक
कंसोलिडेशन में जा सकता है, उसके बाद कोई ब्रेकआउट आता है तो सर वो तब सर देखें तो सर तब स्टॉक में कोई अगर आप देखें नए टारगेट के ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो सर स्टॉक अपने अगर आप देखें लोज से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है डेफिनेटली। और अगर आप देखें तो सर इसका जो 52 वीक हाई है वो 92 रुपीज़ का है और लो की बात करें 38 रुपीज़ अभी आपको मिल रहा है 89 के अंदर। तो सर खरीदारी करना चाहते हैं तो SIP मोड में डेफिनेटली खरीदारी किया जा सकता है, लेकिन रिसर्च आपका होना चाहिए खुद का। और जो खबर आई है सर 5 अप्रैल 2021 को खबर आई है सर JSW एनर्जी स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी ऑफ अ गुड वैल्यू। तो सर वैल्यू नजर आ रही है स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी यानी कि जो इनका अर्निंग आएगा यहाँ पर सर Q4 का वो सर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है लगभग। तो सर इसके चलते सर देखिए स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर ही। तो सर पकड़ के रखिए, छोड़ना मत, यही कुछ कहने की और समझाने की कोशिश था। बाकी सर मेरे पोर्टफोलियो में इस हिसाब से आपको कोई भी ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं लेनी है, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए क्योंकि पैसा आपका है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।